इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गार्जियन नेट सिक्योर का एंटीवायरस यूज कर रहे हैं और किसी वजह से आप उस गार्जियन नेट सिक्योर एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, फिर चाहे वो आपका एंटीवायरस एक्सपायर हो गया हो, उसकी जगह आप कोई और एंटीवायरस यूज करना चाहते हो, या फिर ये एंटीवायरस आपका ओल्ड वर्जन का हो गया हो, आप नया सेटअप इस पर इंस्टॉल करना चाहते हो, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप गार्जियन नेट सिक्योर का एंटीवायरस कंप्लीटली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से अनइंस्टॉल कर पाएं सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपके जिस कंप्यूटर एंड लैपटॉप में गार्जियन नेट सिक्योर का एंटीवायरस पड़ा होगा उस सिस्टम पर आप आ जाएगा, जिससे आप बहुत ही आसानी के साथ, जो मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूँ गार्जियन नेट सिक्योर को कैसे अनइंस्टॉल करना है, आप उस स्टेप को फॉलो करने के बाद इस एंटीवायरस को कम्प्लीटली अपने कंप्यूटर से अनइंस्टॉल कर पाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गार्जियन नेट सिक्योर का एंटीवायरस हमारे इस कंप्यूटर में पड़ा हुआ और ये एंटीवायरस हमारा एक्सपायर हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिन्यूअल नाउ मांग रहा है। तो हम इस एंटीवायरस को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, इसके बाद हम इस कंप्यूटर में नया एंटीवायरस इंस्टॉल कर पाएं बहुत ही आसानी के साथ। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपके कंप्यूटर में कोई और एंटीवायरस आपको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे पुराने एंटीवायरस को आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि अनइंस्टॉल करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कंट्रोल पैनल को ओपन कर लीजिएगा, जैसे मेरा कंट्रोल पैनल डेस्कटॉप पे ही शो कर रहा है। अगर आपका डेस्कटॉप पे नहीं शो कर रहा तो आप सर्च बॉक्स में जाके भी कंट्रोल पैनल टाइप कर सकते हैं। विंडो के साथ एस बटन प्रेस करेंगे तो सर्च बॉक्स आपका खुल जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल पैनल आप टाइप कर लीजिएगा। जैसे कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे यहाँ पे इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये कंट्रोल पैनल आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे व्यू बाय में आप आइकन देख लीजिएगा, यहाँ पे मेरा लार्ज आइकन सेलेक्ट है तो आप भी लार्ज आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जाना है प्रोग्राम एंड फीचर्स में, ये प्रोग्राम एंड फीचर्स आप ढूंढ लीजिएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे गार्जियन नेट सिक्योर का एंटीवायरस आपको ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे हमारा गार्जियन नेट सिक्योर का एंटीवायरस ये है, अब इस पर आपको राइट बटन क्लिक करना है। तो राइट बटन जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे अनइंस्टॉल एंड चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने यस या नो का ऑप्शन आएगा, आपको यस पे क्लिक कर देना है अनइंस्टॉल करने के लिए इस एंटीवायरस को। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिएगा, आपका अनइंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है बैकग्राउंड में चल रहा है और डिस्प्ले पे भी अभी आपको शो कर जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डिस्प्ले पे ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप से गार्जियन नेट सिक्योर का एंटीवायरस कम्प्लीटली रिमूव करना है तो रिमूव गार्जियन कम्प्लीटली पे आपको क्लिक कर देना, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा अनइंस्टॉल इन प्रोग्रेस यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा चल रहा है, ये परसेंटेज हमारा कम्प्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। तो यहाँ पे ये हमारा गार्जियन नेट सिक्योर का एंटीवायरस अनइंस्टॉल सक्सेसफुली कम्प्लीटेड हो चुका है। इसके साथ यहाँ पे देख लीजिए आपकी वो प्रोडक्ट की आ जाएगी जो प्रोडक्ट की इस एंटीवायरस में पड़ी होगी। अगर इस प्रोडक्ट की को आपको सेव करना है तो यहाँ पे सेव टू फाइल कर सकते हैं। मुझे इस प्रोडक्ट की को सेव नहीं करना, इसलिए मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा। आपको ये प्रोडक्ट की अगर सेव करके रखनी तो आप सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है, फिर आपका सिस्टम रिस्टार्ट होकर वापस से ऑन हो जाएगा। तो हम भी रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं, फिर दोबारा से सिस्टम आपको ऑन करके दिखाते हैं कि हमारा ये एंटीवायरस कम्प्लीटली हमारे कंप्यूटर से रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा से ऑन हो चुका है और आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे पहले मेरा गार्जियन नेट सिक्योर का एंटीवायरस का आइकन शो कर रहा था, जो कि हमने इस एंटीवायरस को अनइंस्टॉल किया, उसके बाद अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट किया, दोबारा ऑन किया तो ये आइकन हमारा गायब हो चुका है, मतलब ये एंटीवायरस हमारा सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको कंट्रोल पैनल में भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से मैंने एंटीवायरस को रिमूव किया था वहाँ शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वापस से आप कंट्रोल पैनल को ओपन कर लीजिएगा। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद फिर से आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको देख लेना कि आपके गार्जियन नेट सिक्योर का आइकन यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। हमारा गार्जियन नेट सिक्योर का आइकन यहाँ पे अनइंस्टॉल एंड चेंज प्रोग्राम में नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने एंटीवायरस अपना सक्सेसफुली अनइंस्टॉल कर दिया अपने इस कंप्यूटर से। तो इसी तरह से आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गार्जियन नेट सिक्योर का एंटीवायरस सक्सेसफुली अनइंस्टॉल कर सकते हैं ये स्टेप फॉलो करने के बाद। आई होप आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी किस तरीके से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गार्जियन नेट सिक्योर एंटीवायरस को सक्सेसफुली अनइंस्टॉल कर पाएं। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।